सभी गुरुवरों का प्रणाम। स्वागत है आप सबका गुरुवर क्लासेस में। चर्चा स्टार्ट करते हैं अपनी ईवीएस की। तो भैया आराम से अपनी सीट ले लो, कानों में ईयरफोन लगाओ, बैठ जाओ, सुनते रहो मेरी कहानियाँ। किससे कहानियाँ? जो एनसीईआरटी किताब की थी, क्योंकि हम सारी चीज़ें डिस्कस करते चलते हैं। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, अगर इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट होगा तो उसे मैं एक बार दोबारा से बता दूंगा, ये आपके लिए मैं कर दूंगा। तो इसलिए आराम से बैठ जाओ, पढ़ते हैं पार्ट 10 कक्षा 4 का हुतुतुतु। तो हुतुतु क्या है? ये कबड्डी का खेल है। हुतुतुतु हुतुतुतु हुतुतु हुतुतु आउट आउट, पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाई। तो खेल की चर्चा है। तुम इस खेल को किस नाम से जानते हो? चेडू गुड्डू, हुतुतु, हाउ डू डू, छू किट किट, कबड्डी या कुछ और? तो ये भैया इंपॉर्टेंट बात है, आप ये याद रखना कि जो कबड्डी है वो इस नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? चेडू गुड्डू, हुतुतु, हाउ डू डू या छू किट किट और कबड्डी। ठीक है, हो सकता है आप जहाँ जाएँ, आपकी जहाँ पोस्टिंग हो, वहाँ किसी और नाम से पुकारा जाए। तो इसलिए वो भी पूछ लेना बच्चों से भी कि वहाँ किस नाम से पुकारा जाता है। इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचें कि खेलों की तरह ही जीवन में भी नियम बनाते हैं, ताकि सभी काम सही ढंग से हो सके। हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इन्हें सुलझाते भी हैं। तो भैया अध्यापक जो है इस खेल के नियमों का महत्व बता सकता है कि भैया खेल में नियम क्यों होते हैं। आप खेल के नियमों की चर्चा करें ताकि कोई बेईमानी ना करे, सबको अच्छा समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी इसीलिए नियम बनाए गए हैं ताकि सब जो हैं सही ढंग से रहें और सबको समान अवसर मिले। ठीक है, कबड्डी का खेल एक तो ऐसा ही है, कबड्डी का खेल है ना, खींचातानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना है। तो हो हल्ले वाले खेल, पर इसमें बहुत सारे नियम भी हैं। ठीक है, इसके नियमों की चर्चा की जा सकते हैं। आप कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे, कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौटाए, अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुंचे। तो भैया केवल शरीर का ही गेम नहीं है, शरीर और दिमाग दोनों का ही गेम है। कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं, इस पर चर्चा करवा सकते हैं। जैसे कबड्डी जो है लड़कियों का खेलना उचित नहीं माना जाता ग्रामीण इलाकों में, तो इस बारे में आप चर्चा करा सकते हैं। हालांकि ये सारी चर्चाएं जितनी भी संवेदनशीलता से कराई जाएं उतना ही अच्छा है। सारी चर्चाएं जिसमें भी लिंग भेद की बात हो या जाति पात वगैरह की बात हो, तो उसमें थोड़ी संवेदना के साथ ऐसी चर्चा करानी चाहिए। अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलकर दिखाओ कितनी बार बोल पाए। ठीक है, तो एक्टिविटी आप करा सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ कबड्डी या कोई और बाहर खेले जाने वाले खेल खेलती हैं? क्या कुछ लड़कियाँ नहीं खेलती? देख क्यों नहीं खेलती, चर्चा करो। क्यों नहीं माना जाता कि लड़कियों का खेलना अच्छा, क्यों नहीं माना जाता? अच्छा, ये क्वेश्चन सीटेट में आया है और आता रहता है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो गई है ये। कर्णम मल्लेश्वरी जी, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो सीटेट में क्वेश्चन कैसा आएगा? सीटेट में आएगा, निम्नलिखित में से क्या कर्णम महलेश्वरी के बारे में सत्य नहीं है? नंबर 1, इनके पापा पुलिस में हवलदार थे, ये बात तो सही है। नंबर 2, जब ये 12 साल, ये वजन तब से उठा रही हैं जब से ये 12 साल की थी, तो ये बात भी सही है। नंबर 3, एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती थी, ठीक है। नंबर 4, ये जो है मध्य प्रदेश की रहने वाली है। अब अगर आपने इन्हें पढ़ा होगा ध्यान से तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, तो इसलिए इनके जो ये स्टेटस हैं ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो इन्हें याद रखना कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्या चीज़ें याद रखनी है, कि एक वेट लिफ्टर हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। नंबर 3 बात, इनके पापा जो हैं पुलिस में हवलदार हैं, और जब ये 12 साल की थी तब से वजन उठाने का अभ्यास कर रही हैं, और अब कितना उठा लेती हैं? 130 किलोग्राम। भारत के बाहर कितने मेडल जीते? 29 मेडल। हो सकता है अब संख्या बढ़ गई हो, पर 2018-19 तक 29 मेडल उन्होंने जीते थे। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। अच्छा, 3 बहनों की कहानी, फोटो देखो, ये जो 3 बहनें हैं, 3 बहनों का फोटो देखो, यह फोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, पर है ये आम दादी नानियों से अलग। अच्छा, अब अलग कैसे हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। यह फोटो है 3 बहनों की, क्या क्या नाम है? ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं, ये तीनों कबड्डी खेलती थी। तो ये तीनों जो हैं कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है, जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते हैं। तो चर्चा में भी आपके निकल के आ सकता था कि कपड़े जो हैं
वो थोड़े ऐसे पहनने पड़ते हैं जो अलाउ नहीं है सोसाइटी में या जहाँ वो रहते हैं, तो इसलिए भी कई बार खेल नहीं खेलने देते हैं लड़कियों को। और कई बार और भी कारण होते हैं अध्यापक के लिए। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता करने के लिए बच्चों की मदद करें, ठीक है। इस बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं कि आपके लोकल में जो है वो किस कोई खिलाड़ी अगर फेमस है तो क्यों फेमस है, क्योंकि भारत के विभिन्न देशों से विभिन्न खिलाड़ी हैं, तो जरूर आपके लोकल में कोई ना कोई खिलाड़ी फेमस रहा होगा या होगा उस समय। तीनों ही बहनें काफी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्हें ही यह शौक उनसे ही उन्हीं से यह शौक उन बहनों में आया। तो इनके मामा खेलते थे तो मामा से आ गया इनके अंदर शौक, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये तो खैर इनकी एक कहानी है, सुनाऊं कहानी? चलो सुनते हैं। याद आए वे दिन, हीरा लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं। कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान कई बड़ी मजेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक तो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी, वे एक एक करके सबके चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हाल में ही हमें खूब जोर से डांट लगाई। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयां आईं, परंतु कबड्डी का मजा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बन गई। तो इनकी जो सबसे छोटी बहन थी हीरा, वो तो कबड्डी की कोच भी बन गई, ठीक है, अध्यापक के लिए। उन उदाहरणों के द्वारा कक्षा में बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। माँ के भाई को मामा कहते हैं, ठीक है। वेल्लुमा किसे कहते हैं? मौसी को, ठीक है। बच्चों से बेल्लुमा मौसी को कहते हैं मलयालम में, ठीक है, ये भी बात याद रखना। बच्चों से पता करें कि भी अपनी माँ के भाई को क्या कहते हैं। अधिकतर जो लोग हैं वो मामा ही कहेंगे, हिंदी भाषी लोग अधिकतर मामा ही कहते हैं, ठीक है। पाठ 11 फुलवारी। देखो ये जो मैं छोड़ रहा हूँ ना, ये चर्चा करने वाले बच्चों से साथ चर्चा करने वाले गेम है, ठीक है। तो इसे आप चाहो तो पढ़ लेना, पर इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है मैंने येलो वाले कर दिए हैं, और इनके साथ में जो जरूरी होगा वो मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। पाठ 11 फुलवारी। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो सीटेट में क्या क्वेश्चन आएगा? फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, या कोई और दे देगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक दे देगा। तो फूलों की घाटी जो स्थित है वो है उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसलिए ये देखो, हालांकि फ्लो में दिया गया है डाटा। सीटेट की सारी किताबों की खास बात यही है, सीबीएसई की, ईवीएस की, कि डाटा इसमें दिया गया है, बच्चों को सिखाया गया है, पर फ्लो में सिखाया गया है। मतलब आपको अलग से नहीं बताना पड़ता, कहानी के बीच में ही आ जाता है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो भी हाथों हाथों हाथ चलती रहती है। बीच बीच में क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, ठीक है। ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह है फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल लाल नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं, और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसा जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं, ठीक है। यह सब सपने जैसा लगता है ना। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। तो भैया फूल जो है हर टाइम निकले रहते हैं, कुछ ही हफ्तों में खिलते हैं। अच्छा ये देखो, ये जो पेंटिंग है ये भी बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे भी सीटेट में कई बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। ये जो डिजाइन दिख रहा है ये मधुबनी है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है, ठीक है। पता है चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, तो मधुबनी नाम का एक जिला है बिहार में, वहां पर होती है, इसलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो चित्र कैसे बनाए जाते हैं? पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर। ये रंग भी तरह तरह के होते हैं, खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में क्या क्या मिलता है? इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में या मधुबनी डिजाइन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है या सही नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो भैया क्या क्या सही है ये देख लो। बिहार में मधुबनी जिला है जिसके ऊपर इसका नाम है। दूसरी बात, त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। तीसरी बात, पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। चौथी बात, नील नील पड़ जाता है इसमें, हल्दी पड़ जाती है, फूल पेड़ों के रंग पड़ जाते हैं।
ठीक है। और चित्र में क्या क्या बनाते हैं, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य जीव जंतु, ये साथ में बनाए जाते हैं। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग की एक बात और बता दूं, आप जानते होंगे टीना डाबी जो हैं, आईएएस टॉपर्स थी, टॉपर टॉपर जो थी, ये टीना डाबी जो हैं ये भी मधुबनी पेंटिंग बनाती थी, ठीक है। इनकी हॉबी थी मधुबनी पेंटिंग बनाना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान कर लियो, टॉपर्स की हॉबी है भैया। तो बच्चों को नक्शे में उत्तराखंड ढूंढने के लिए प्रेरित करें, आप बच्चों को नक्शे में उत्तराखंड ढूंढने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश से साइड में लगा हुआ हो सकता है, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम नीचे दिए गए फूलों में से जिनको पहचानते हो उन पर टिक का निशान लगाओ, जैसे गुलहड़, गुलाब, ठीक है, सूरजमुखी, गेंदा, इस तरीके से आप एक्टिविटी करा सकते हैं। कौन से जो फूल हैं वो पेड़ों पर लगते हैं, कौन से झाड़ियों पर लगते हैं, ठीक है। फूल तोड़ना मना है। अच्छा, अब फूलों की बात आ गई, तो आप पर्यावरण अध्ययन क्यों की है, तो पर्यावरण के बारे में सचेतना भी उत्पन्न कर सकते हैं। आप उनसे बोल सकते हैं कि बच्चों कभी भी फूल जो है तोड़ने नहीं चाहिए, अगर आपको कोई फूल चाहिए भी तो वो जो नीचे गिरा हुआ फूल है, ताजी फूल गिरा हुआ नीचे फूल है, उसे आप ले जाइए, आप फूल ना तोड़िए, इससे क्या फायदा होगा। नंबर एक बात तो कि शोभा कम नहीं होगी उस पेड़ की या उस जगह की जहाँ वो फूल है, ठीक है। दूसरी बात, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप ऐसे फूल तोड़ेंगे तो वो सही नहीं है। चलो पास से देखें, एक्टिविटी करा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, किसी एक फूल को लेकर आओ, उस पर चर्चा कर सकते हैं कि फूल किस रंग का है, इसकी खुशबू कैसी है, आकार कैसा है, आकार किस तरीके का, मतलब जैसे कभी घंटी जैसा है, कटोरे जैसा है, ब्रश जैसा है या कुछ और, क्या ये फूल गुच्छे में है, इसकी पंखुड़ियाँ कितनी है, पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हैं या अलग अलग हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, बच्चे में वर्गीकरण का कौशल उत्पन्न हो जाएगा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। खिलती कलियाँ, तुमने कलियाँ भी देखी होंगी, अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हों तो उनकी कलियाँ भी देखो। अच्छा, आप समझो कली और फूल में क्या अंतर है, फूल विकसित होता है, कली जो है जो फूल बन रहा होता है उस पार्ट को कहते हैं। किसी पौधे की कली एवं उसके फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ, क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल डालती होगी, जानने की कोशिश करो। कैसे, किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो, उसे रोज देखो, उस पौधे का नाम लिखो, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी कराई जा सकते हैं, नेचर से जोड़ना ही है मेन हमें। खाए भी जाते हैं फूल, ठीक है। तुमने फूलों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है, शादी ब्याह में अधिकतर इस्तेमाल देखते होंगे या सजावट में, हालांकि देखो ये सजावट दिखाई गई है इस किताब में भी साइड में ये जो है। क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं, बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। अच्छा देखो भैया, कहाँ कहाँ सब्जी बनती है ये याद रखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है, तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है भैया, उत्तर प्रदेश में, हालांकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बनती है पर शहरी इलाकों में बन सकती है। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूल की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है, तो केरल में कहाँ काय की फूलों की सब्जी बनती है, केले के फूलों की सब्जी, ठीक है। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद है, तो सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनते हैं भैया, महाराष्ट्र में। तो आ सकता है मिलान करो या इससे फूल कहाँ खाए जाते हैं, मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है सीटेट, और पूछा भी है उसने इस तरह के क्वेश्चन, तो इसलिए इसके डाटा याद रख लो। उत्तर प्रदेश में जो है कचनार के फूलों की सब्जी बनती है, केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रख लेना, और दवाई में भी यूज होते हैं कुछ फूल, जैसे गुलाब जल, गुलाब जल यूज होता है ना, गुलाब जल तो सौंदर्य प्रसाधनों में भी यूज होता है, लड़कियां लड़के लगाते हैं अपने चेहरे पर, ठीक है। तो इस तरह की चर्चा कराई जा सकती है। हमारा उद्देश्य क्या है, हम पेड़ पौधों का उपयोग उन्हें बच्चों को बताएं, जिससे वो पेड़ पौधों का जो महत्व है वो समझ सकें, पर्यावरण का महत्व समझ सकें, प्रकृति का महत्व समझ सकें, ठीक है। खुशबू और रंग, बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं, ठीक है। तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में तो सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर एक नुस्खा दिया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। अब दादी माँ का नुस्खा सुनो, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशे में भर लो, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो, इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटेगी। तो अगर आप ये वीडियो सर्दियों में देख रहे हो या आपकी त्वचा फटती हो, तो भैया एक काम करना, गुलाब जल लेना, ग्लिसरीन लेना, ग्लिसरीन मेडिकल में मिल जाएगी, गुलाब जल लेना, इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला लेना, शीशी में भर लेना और कुछ बूंदे नींबू की डाल लेना, इससे क्या होगा, सर्दियों में जब त्वचा फटे तो लगा लिए नहीं फटेगी, या फिर त्वचा पर लगाओगे तो फटेगी नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, ये तो सबको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो सुन लो भैया, उत्तर प्रदेश का जो मशहूर जिला है इत्र के लिए मशहूर है, आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पास के इलाके से ट्रकों में भर भर के फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। केवड़ा भी क्या, केवड़ा भी एक तरह का इत्र ही समझ लो आप, ठीक है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं, तो कन्नौज जिला फेमस है क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे ये काम बहुत ज्यादा होता है। बच्चों को नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र ढूंढने को कहें, बच्चों को बताएं कि इन फूलों का शुद्ध अर्क होता है, इसकी इत्र
जो है फूलों का शुद्ध अर्क होता है। तो इत्र किसे कहते हैं? इत्र कहते हैं फूलों के शुद्ध अर्क को। तो ये स्टेट से ये भी याद रख लेना। अच्छा, नक्शे में उत्तर प्रदेश तो आप जानते ही कहाँ है, ठीक है, केरल भी जानते होंगे। उत्तर प्रदेश तो ऊपर होता है, बीच में बिल्कुल हार्ट के पास, दिल्ली के पास लगा हुआ है। केरल कहाँ है? केरल नीचे है, ये जो ऐसे आ रहा है ना अपना भारत, तो यहाँ पे केरल है। महाराष्ट्र कहाँ? महाराष्ट्र यहाँ पे है, गोवा के पास, ठीक है। तो और देख लेना एक बार मैप पे। और क्या तुमने कभी फूलों पर कोई गीत पढ़ाया सुना है? इस गीत को गाओ। अच्छी मालिन तेरे मेरे बनने का बना ला सहरा, बागे जन्नत गई मालन ते मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियों का बना ला सहरा। शायद गीत है, मुझे गाना नहीं आया। चलो कोई नहीं, अध्यापक के लिए बन्ना दूल्हा। बच्चों से पूछे कि उनके इलाके में बन्ने को क्या कहते हैं। बन्ना दूल्हा, बन्ने को, बन्ने का क्या मतलब है? दूल्हा, बन्ना बन्नी। तो उनके इलाके में हो सकता है कि दूल्हे को कुछ और कहते हो। तो इस प्रकार के शब्दों की चर्चा की जा सकती है। और एक बात और, पेडागोजी में कभी भी जो भाषा है, विभिन्न भाषा है, उन्हें आप रुकावट के रूप में नहीं देखेंगे। एज ए शिक्षक आप हमेशा समझेंगे कि कोई कितने ही डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, डिफरेंट संस्कृति से हो, डिफरेंट भाषा से हो, उसका जो भाषा है उसे एक संसाधन के रूप में लेंगे आप, उसके बारे में चर्चा करने में, कि कोई भी बात आवे कि भाई हाँ भाई ये बताओ तुम्हारी भाषा में इसे क्या कहेंगे, इस तरह की चर्चा कर सकते हैं आप। तो संसाधन के रूप में लेंगे हमेशा विभिन्न भाषाओं को, आप कभी भी निगेटिव वे में नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमेशा संसाधन के रूप में देखेंगे, ठीक है। अब ये भैया देखो, ये फूल किस किस तरह से बेचते हैं, नीचे उन पर निशान लगाओ। फूल किस किस तरह से बिकते हैं तुम्हारे इलाके में, अगर फूल बिकते हैं तो ठीक है, ठीक है। अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाओ, नीचे फूल का नाम लिखो। अध्यापक के लिए बच्चों को नजदीक से फूलों को देखने के लिए प्रेरित करें। फूलों को अलग अलग गुणों जैसे रंग, पत्तियां, गुच्छेदार या खुले इत्यादि के आधार पर समूहकरण करने में मदद करें, ठीक है, इनका वर्गीकरण करने में आप मदद कर सकते हैं। कैसे कैसे बदले घर, अब ये थोड़ी सी जो है हिस्ट्री से रिलेटेड एक कहानी है। मैं हूँ चेतन दास, सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था, आजकल अपने बीते हुए दिन के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने घर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि घर की कहानी पढ़ लेते हैं। एक बड़ा बदलाव, बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले। 60 साल, उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे, अब वह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव, दूसरी जगह जाना है। अध्यापक के लिए इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों को अंग्रेजों से भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे के इतिहास के बारे में बताया जा सकता है। नक्शे में भारत और पाकिस्तान भी दिखाया जा सकता है। तो आप जो है थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि भैया ये जो कहानी है उस समय की है, उस समय से स्टार्ट होती है जब 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, पहले अंग्रेजों के अधीन था, उसके बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, भारत अलग पाकिस्तान अलग। तो उस समय की कहानी है, उन्हें छोड़ के आना पड़ा। पाकिस्तान के जो हिंदू धर्म के लोग थे वो भारत में आए थे, और भारत के कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो है पाकिस्तान में रहते। तो इस प्रकार से आप चर्चा स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसे लगता, किसको नहीं लगता? वहीं तो थे मेरे वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया है, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था, ठीक है। तो ये तो इनका स्टार्टिंग का घर था, तंबू लगाकर। उसके बाद उन्होंने घर कैसे कैसे बनाया स्टार्ट करते हैं। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में जमीन मिली है, अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था, बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी, हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई, गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया, बाबा ने दीवारें बनाई। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए, अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की, ठीक है। तो गोबर जो है, गोबर से इन्होंने लिपाई की, तो गोबर का क्या फायदा होता है अभी आएगा इस पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती हैं कि इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। तो गोबर की जो लिपाई की जाती है, खैर मुझे भी याद है क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ भी गोबर की लिपाई होती थी जब मैं छोटा था, घेर घेर में हमारे। तो भैया गोबर की लिपाई से होता क्या है कि जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के मकान होते हैं, मिट्टी के मकान होते हैं, मकान नहीं होते तो फर्श तो मिट्टी का होता है, तो मिट्टी में ना कीड़े रहते हैं। तो गोबर से अगर लिपाई कर देते हो तो मिट्टी में जो कीड़ा नहीं लगता, देखो लिखा हुआ है गोबर का क्या फायदा है, इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, ठीक है। बात बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी का फ्रेम, लकड़ी को दीमक न लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी।
तो भैया लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? नीम और कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछाई जा सकती हैं, क्योंकि नीम में और कीकर में जो है वो दीमक नहीं लगती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, नीम और कीकर की लकड़ी दीमक नहीं लगती। ठीक है, अम्मा ने पुरानी बोरिया इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। अध्यापक के लिए, सोहना गांव हरियाणा में है। ठीक है, तो पाकिस्तान से आए थे पंजाब पार करके, ठीक है, और हरियाणा में उन्हें जगह मिली। अध्यापक के लिए, सोहना गांव हरियाणा में है। बच्चे को नक्शे में हरियाणा ढूंढने को कहें। उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोहना गांव के अधिकतर घर बनाने में आसपास आसानी से मिलने वाली चीजें इस्तेमाल हुई हैं। आसपास मिलने वाली चीजें वाली इन चीजों और इनके इस्तेमाल पर कक्षा में चर्चा करें। ठीक है, हालांकि अब जो है रेत वगैरह का ज्यादा यूज होता है, मिट्टी वगैरह का यूज नहीं होता है, फिर भी लकड़ियों का यूज तो होता ही है दरवाजे वगैरह बनाने में। ठीक है, मकान में बदलाव। समय बहुत जल्दी बीत गया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। जो सुना रहे हैं ना बात, जो लड़का सुना रहा था उसकी बात है। और नौकरी भी लग गई, अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था, कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से एक नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्का करवाई। तो भैया देखो, काय से श्री करी इन्होंने, कच्चे कच्चे मकान शुरू करी, अब लोहे और सीमेंट से बनवा दी। बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी, ये कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। ठीक है, कच्ची ईंटों से बनवा ली। ठीक है, उससे यह फायदा हुआ कि हमें हर हफ्ते घर लीपना नहीं पड़ता था, साल में एक बार इन दीवारों को चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई बनवाई, उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह, तो ना रसोई बनवा ली आंगन में। फिर मेरी शादी हो गई, मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच में वे दिन भी क्या दिन थे। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे, कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतजाम किया हुआ था, हमने भी वैसा ही किया, पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। अध्यापक के लिए, बच्चों को बड़े से उनके समय में शौचालय के बारे में जानने के लिए प्रेरित करें कि पहले सोच कैसे जाते थे वो, या क्या व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें थोड़ी संवेदना के साथ चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि पुराने समय में एक विशेष वर्ग था जिससे ही ये सफाई वगैरह कराई जाती थी शौचालय की, अब तो सब लोग खुद ही कर लेते हैं। चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मलमूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे, उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने की मनाही थी। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे? चर्चा करो, क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है? उसे कौन साफ करता है? और भी बदलाव, मेरे दो बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए, समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी। अब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा एक नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा लें। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था, तो भैया पहले ईंटें भी कच्ची थी, अब ईंटें भी पक्की हो गई, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर डलवा लिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का करवा लिया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतजाम कर दिया कि मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती थी। तो भैया गैस स्टोव आ गया। अध्यापक के लिए, बच्चों से पूछा जा सकता है कि दूसरों से टॉयलेट साफ करवाने के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वे ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहां आज भी ऐसा होता है? नई नई चीजें, मेरे छोटे बेटे मोन्टू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया, अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोन्टू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में, तो सोहना जो हरियाणा में है भैया वहां पर रह लें, कभी कभी मोन्टू के पास रह लें अपने छोटे लड़के के पास दिल्ली में। मैं सोहना से अब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। गुरुग्राम शहर मतलब गुड़गांव, अब देखो यहाँ भी गुरुग्राम कर दिया इसका, गुड़गांव जो गुड़गांव के नाम से जानते होंगे, हो सकता है गुरुगांव गुरुग्राम के नाम से जानते हो आप। अपडेटेड है ये किताब 2019 तक के लिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों से यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया, उसने बाथरूम में रंगीन टाइल्स भी लगवा ली, नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। आजकल बाथरूम पर ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है रसोई और क्या कहते हैं मंदिर की अपेक्षा, या जहाँ पूजा घर होता है उसकी अपेक्षा। इस बारे में भी चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके किस तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया, उसने बाथरूम में रंगीन तो पढ़ लिया था। मैं अब 70 वर्ष का हूँ, इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे। पता नहीं मेरे पोती पोते पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर। हो सके भैया हवा में ही टंगे, ऐसे घर बनने लगे जो हवा में ही तैरते रह करें। पता नहीं डेरा गाजी खाना में अब कैसे मकान होंगे। डेरा गाजी खाना कहाँ था? पाकिस्तान में, जहाँ वो रहते थे, पुस्तैनी मकान उनका। मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे? ठीक है, तुम्हारा अपना मकान किन किन चीज़ों से बना है इस पर चर्चा करा जा सकते हो।
तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे, इस बारे में चर्चा कर सकते हो। चित्र को देखो, तालिकाओं में लिखो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, वे किन किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, काम क्या कर रहे हैं, औजार किस इस्तेमाल औजार क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और किस नाम से बुलाया जाता है। हाँ, तुम्हारे स्कूल के आसपास यदि कोई इमारत या मकान बन रहा हो तो वहाँ बच्चों को ले जाया जा सकता है, वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बातचीत भी करवाइए। तो इस तरह की एक्टिविटी करा सकते हैं आप, क्योंकि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये आपके सिलेबस में है। अध्यापक के लिए, अगर हो सके तो जहाँ इमारत बन रही है वहाँ बच्चों को ले जाएँ या वहाँ काम कर रहे हैं कुछ लोगों को अपने स्कूल में बुलाएँ, उनके काम और औजारों के बारे में उनसे बातचीत करें। इनकी कीमत पता करो, एक बोरी सीमेंट कितनी है, एक पक्की ईंट की कितनी है, एक बड़ा ट्रक रेत की कितनी है, टोटल कितना हुआ, इस तरीके से आप गणित भी सिखा सकते हैं। साथ ही साथ 60 सालों में चेतन दास का मकान बनाने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ उसे सही क्रम में लिखो कि पहले क्या था, मिट्टी का इस्तेमाल हुआ और काय का इस्तेमाल हुआ, गोबर का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, लकड़ी का इस्तेमाल हुआ, लकड़ी में भी नीम की जो लकड़ी थी उन्होंने यूज करी थी ताकि दीमक ना लगे। तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं पहाड़ों से समुंदर तक। ठीक है, इस पार्ट को पढ़ते हैं। नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। देखो भैया, ये नदी जो थी पहले साफ आ रही थी, मछलियां भी थी इसमें, उसके बाद जानवर आदमी ने थोड़ा गंदा करा, ठीक है, उसके बाद उद्योगों से गंदा होता चला गया, उसके बाद शहर से आने वाले सामान से और ज्यादा गंदा होता चला गया, आखिर में कितनी बुरी हो गई नदी। नदी के चित्र को देख लिया हमने, अब इन शब्दों को पढ़ो। नाव, बहता पानी, नीला, मछलियां, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियां, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव, शहर। चित्रों शब्दों की मदद से कहानी लिखो, अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी लिखो। अब कोई कोई नाम भी सोचो, अब कोई भैया कहानी लिख सकते हो, इस तरह की एक्टिविटी करा सकते हो आप। हालांकि इसमें कुछ नहीं करा गया, बस पर्यावरण के प्रति जो है, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन में देखो होगा ही है भैया, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न की जाएगी, तो ये गंदगी दिखा रखी है, इस बारे में आप चर्चा कर सकते हो। सीटेट में ऐसा कुछ नहीं आता है इसलिए हम इसे निकाल देंगे, हालांकि ये जो है ये सही लग रहा है मुझे, इसे पढ़ते हैं। अब तुम्हें क्या करना, एक गतिविधि है करके देखो, इसे पढ़ते हैं। इस गतिविधि के लिए हमें कुछ सामान घर से लाना होगा, तुम्हारी रसोई में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। क्या क्या लाना है, नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल, हर चीज़ आधा चम्मच, आधे आधे चम्मच यानी ज़्यादा नहीं, नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल, सभी चीज़ें लगभग 1 चम्मच, 5 या 6 गिलास या बोतलें। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सभी गिलास या बोतलों को पानी से आधा भर लो, ध्यान रहे सब में बराबर पानी हो। अब हर बर्तन में एक एक चीज डालो, जैसे एक बर्तन में हल्दी डाल दो, दूसरे में तेल डाल दो, तीसरे में खाने का सोडा। ठीक है, हर चीज को पानी से अच्छी तरह मिलाओ और देखो क्या होता है। तालिका भरवा सकते हैं इस एक्टिविटी के माध्यम से आप, क्या तालिका है वो ये देखते हैं कि चीजें जो है, नींबू जो है और चीनी जो है वो पानी में घुली या नहीं घुली। अच्छा, घुली तो पानी का रंग बदला या नहीं बदला, केवल टिक लगाना है। तो इस तरह की एक्टिविटी करा सकते हैं, उसके बाद आप बता सकते हैं समांगी पदार्थों के बारे में, विषमांगी पदार्थों के बारे में भी बता सकते हैं। हालांकि ये क्या बताना चाह रहे हैं ये देखते हैं। सोचो अगर कुछ चीज़ें पानी में घुली ही नहीं, जैसे शक्कर, नमक, शरबत, नींबू का रस आदि, तो क्या होगा, अलग अलग पड़ी रहेंगी। सोचो क्या सब चीज़ें पानी में घुल जाएं, जैसे पत्थर भी पानी में घुल जाए, प्लास्टिक भी घुल जाए, चौक भी घुल जाए, कूड़ा कचरा आदि घुल जाए, तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें घुल जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नदी में से सारी चीज़ें घुलती रहेंगी, सब पानी में मिलती रहेंगी और सभी खत्म हो जाएगी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं, इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए पीने से पहले पानी साफ करना जरूरी है। पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। अगर किसी कारण से यह करने में कठिनाई हो तो क्या तुम पानी साफ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? उबालने में अगर कठिनाई हो तो क्या तुम पानी साफ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? हाँ, आजकल तो भैया सब वो कर लेते हैं, वो आता है प्योरीफायर आता है, उसमें पानी डालो साफ हो जाता है, पर पानी को उबालने के अलावा कैसे साफ कर सकते हैं? एक और सिखाया था, वो रेत वगैरह डाल के जो वो बाल्टी सी बना लेते हैं उससे पानी साफ करते हैं, वो भूल गया क्या क्या डलता, उसमें पत्थर डलता है, रेत डलता है। चलो चलो छोड़ो, पानी को साफ करने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में पता करो, इन तरीकों में से किन्हीं धोखे चित्र बनाओ। ठीक है, बसवा का खेत, बसवा खेत और पढ़ लेते हैं। मैं हूँ बसवा, ये जो है ये हैं बसवा जी, कर्नाटक के वेलवनी का गाँव में रहता हूँ। तो ये बसवा जी कहाँ के हैं, कर्नाटक के। ठीक है, मेरे अप्पा किसान हैं, जुलाई का महीना है, हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। तो कर्नाटक में क्या होता है भैया, प्याज की फसल होती है। ठीक है, खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खूटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है। ठीक है, तो खूटी क्या है, जो इनके हाथ में दिख रही होगी आपको, ये जो है इसे कहते हैं खूटी, कर्नाटक में कहते हैं, आप यहाँ पता नहीं क्या कुदाली कहते हो क्या कहते हो।
तो ये खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है, मतलब मुलायम कर दिया है। ठीक है, तो भैया कर्नाटक में होती है प्याज की खेती, नंबर एक बात। ठीक है, कब बोती है प्याज? जुलाई के महीने में, ये भी याद रखना है, जुलाई का महीना है, फसल उगाने की तैयारी चल रही है प्याज की। ठीक है, बसवा के इलाके में तो खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं, तुम्हारे इलाके में से क्या कहते हैं उसका चित्र बनाओ और चर्चा करो। अध्यापक के लिए इस पाठ में प्याज की फसल का एक उदाहरण मात्र लिया गया है, अपने इलाके की या आसपास की किसी एक फसल को उगाने में किए गए कार्यों पर भी चर्चा करवाई जा सकती है, गेहूं पर, चावलों पर, जो भी आपके एरिया में होता है। बच्चों से नक्शे में कर्नाटक देखने को कहो, कर्नाटक ढूंढवा सकते हो आप। खेती का हुनर, अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे, बैग बैल कुरीगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। तो ये जो है, जो जमीन के अंदर जा रहा है ना, जो बैल के पीछे है, इसे कहते हैं कुरीगा। ठीक है, ये रहा कुरीगा। ठीक है, कुरीगा को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। अप्पा को इस तरह कुरीगे से बीज डालते देख मेरा भी ऐसा करने को मन करता है, पर शायद मैं इसके लिए अभी छोटा हूँ। अप्पा मुझे बीज नहीं डालने देते, कहीं मेरे हाथों से ज़्यादा बीज ना गिर जाए। थोड़े थोड़े बीज गिराना बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं अब कब कब कर पाऊंगा। तो आप इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा बीज क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि डेंस हो जाएगी फसल और उससे क्या होगा, उसके हर पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, तो इसीलिए जो है हल्के हल्के बीज डालते हैं। जानवर के अलावा और किसी तरीके से खेत को जोता जा सकता है? हाँ, ट्रैक्टर से जोता जा सकता है। प्याज की फसल, बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए, प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए, साथ ही निकल आई खरपतवार। तुम जानते हो ना खरपतवार, तुमने किसी खेत या बगीचे में देखा होगा कि कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उगाते हैं, वह ही होती है खरपतवार। खरपतवार खरपतवार क्या होती है कि हमने बोई तो भैया गेहूं की फसल और उसमें घास उग आई, हमने बोया तो गन्ना पर उसमें मोथा उग आया, उसे हम कहते हैं खरपतवार। अप्पा कहते हैं इसे निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। तो प्याज की फसल कब बोई जाती है भैया? जुलाई में बोई जाती है, याद रखना, भूलना नहीं, कर्नाटक में होती है। मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा, अम्मा और काका की मदद करूंगा प्याज के खेत में। हर रोज पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, चलो इनकी चर्चा बाद में करेंगे। अगर अब प्याज के लिए पौधों को निकालना है, प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक जरूरी है। पौधों देखो भाई, सबसे अधिक जरूरी क्या है कि आपने बोया, उसकी मेहनत करी, सब काम करा, उसको जब फल आया, जब तक फल नहीं लोगे तब तक क्या फायदा होगा आपका इतनी सारी मेहनत करने का। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी समय क्या है? प्याज को निकालना। ठीक है, जमीन से प्याज को निकालना। अप्पा, अम्मा, काकी, छोटी माँ और मैं सभी जुटकर इस काम को करेंगे। ठीक है, समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे जमीन प्याज के नीचे ही सड़ जाएंगे और जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे, सारे प्याज जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे। तो भैया टाइम से निकालने क्यों जरूरी है? नहीं तो भैया जो प्याज है वो जमीन के नीचे सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या तुम भी बसवा की तरह किसी काम में अपने घर के बड़ों की मदद करते हो? किस काम में करते हो? प्याज की फसल। अरे वाह, इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं, घर में सभी बहुत खुश हैं। अम्मा और छोटी माँ ने इलीगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग कर दिया। इलीगा क्या है? देखो ये दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ आपके लिए, ड्राइंग भी कर सकता हूँ। देखो इसे कहते हैं इलीगा। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं इसे, पर इसे यहाँ कर्नाटक में कहते हैं इलीगा। ठीक है, इलीगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग कर दिया, उन्होंने पौधे को काट के प्याज अलग कर दी और उसके पौधे अलग कर दिए। हाथ को इलीगे पर ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। तो इलीगे से क्या होता है, पौधे को अलग किया जाता है, प्याज के पौधे को प्याज से अलग किया जाता है। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया है, देखो ये बांध रहे हैं। ठीक है, अब अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रक में लेकर जाएंगे। बसवा कुछ दिनों तक स्कूल क्यों नहीं जा सका? क्योंकि भैया से ये करवाना था, इस वजह से नहीं जा सका, नहीं तो अगर टाइम से नहीं निकलती तो सारी फसल गल जाती। ठीक है, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है, वहाँ क्या क्या उगाया जाता है, इस बार की चर्चा की जा सकती है। ये क्या था? ये था इलीगा, नहीं इलीगा तो ये था, ये क्या था, कुरीगे था, यो कुरीगे था और ये था खूंटी, कुरीगे और इलीगा खूंटी, ये तो था खूंटी जिसे नरम करा था। ठीक है, ये था इलीगा। ठीक है, ये था कुरीगे। तुम्हारे इलाके में क्या कहते हैं? हमारे इलाके में कहते हैं हल। ठीक है, काम क्या करता है? जोतने का काम करता है। खूंटी तुम्हारे इलाके में क्या कहते हैं? इस तरह के एक्टिविटी से भरवा सकते हैं। और देखो भैया जगह इसमें दी है तो भैया यहीं पे भरवा देना बच्चों से जब आप पढ़ाना स्टार्ट करो तब। ठीक है, पार्ट 15 है, मंडी से घर तक। तो मंडी से घर तक की बात चर्चा बाद में करेंगे, पहले मंडी तक पहुँचा दी प्याज हमने, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे परिवार की चर्चा होगी इसमें, जैसे मंडी से घर तक कोई फल विक्रेता की बात है शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है, तो कल को इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं,
चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि भैया जितने लोग होंगे उतना पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।